हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी, द सम ऑफ हूज डिस्टेंस फ्रॉम ए इज 4,0,0 एंड बी -4,0,0 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर दो पॉइंट हमें गिवन है, पी x1, y1, z1 एंड सेकेंड पॉइंट है क्यू x2, y2, z2, देन हमें फाइंड करनी है यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू। तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर किस तरह से, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो इसमें हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट P पॉइंट इज डिफाइंड बाय x, y, z। और इस P पॉइंट की इस A पॉइंट से, जो कि हमारे पास है 4,0,0 और एक पॉइंट क्या है B जिसके कोऑर्डिनेट है -4,0,0, इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल टू है ना, ये बोल रहा है सम ऑफ डिस्टेंसेस फॉर टू पॉइंट इक्वल टू 10 है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब P की A से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगी हमारे पास, देखो x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर y स्क्वायर और z-0 का स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर ये आ जाएगा पी बी डिस्टेंस आएगी x+4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और इक्वल टू क्या है 10। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक डिस्टेंस को, इस रिजल्ट को उस तरफ लेके जाते हैं और स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। तो ये आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो ये माइनस का जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखो क्या x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड प्लस, फिर 10 का स्क्वायर आएगा तो 100 हो जाएगा, फिर -2 × 10 कितना हो गया 20, अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो देखिए ये बनेगा x² - 8x+16 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x² + 8x+16 + 100 - 20 अंडर रूट x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा कितना हमारे पास, 8x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -16x - 100 इक्वल टू -20 अंडर रूट x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो -4 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 4x+25 और ये हो जाएगा 5 है ना, अंडर रूट x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से आएगा 4x+25 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया 25 और ये आ जाएगा x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे वैसे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 625
प्लस ये हो जाएगा 100 और 100 टू द 200, तो यहाँ पे आएगा 200 एंड एक्स इक्वल टू, और इधर आ जाएगा हमारे पास देखो यहाँ पे 25x² प्लस 25y² प्लस 25z², ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना आएगा 8x, तो 8 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 200 200 एंड एक्स, ये आ जाएगा। और फिर 4 का स्क्वायर है तो वो उतना जाएगा 16, और 16 × 25 हम करेंगे यहाँ पर, तो 25 × 6 150, और 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 25 और 15, तो ये कितना हो गया हमारे पास 440 400 आएगा ये, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो 25 − 16 कितना हो गया 9x², यहाँ से आएगा 25y² प्लस 25z², और यहाँ से 200x इधर भी आ रहा है, 200x इधर भी आ रहा है, तो ये तो बेसिकली कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू 400 − ये 625 को उस तरफ दिखाएंगे तो ये आ जाएगा 225, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा 225 = 0 प्लस 225 = 0, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।